वसुधा कल्याण आश्रम के तत्वाधान में शनिवार को राष्ट्र के वीर सपूत छत्रपति शिवाजी महाराज जी की 392वीं जयंती मनाई गई। इस उपलक्ष्य में आश्रम के रक्तदान वीरों के समूह संवेदना के द्वारा जूरन छपरा स्थित शाही डेंटल में वृहद रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 100 से ज्यादा रक्त वीरों ने अपने रक्त का दान करते हुए भारत माता के महान सपुत्र छत्रपति शिवाजी महाराज को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। आश्रम की ओर से सभी रक्तदान वीरों को राष्ट्रवीर छत्रपति शिवाजी शौर्य सम्मान से सम्मानित भी किया गया है। इस अवसर पर संस्था के संस्थापक आचार्य पावन महाराज ने कहा कि वीर शिवाजी भारत के है एक महान राजा, रणनीतिकार एवं महान योद्धा थे, जिन्होंने 1674 ईस्वी में पश्चिमी भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी। उन्होंने कई वर्ष औरंगजेब के मुगल साम्राज्य से संघर्ष किया। सन 1674 में रायगढ़ में उनका राज्य अभिषेक हुआ और वे छत्रपति बने। शिवाजी ने अपनी अनुशासित सेना एवं सुसंगठित प्रशासनिक इकाइयों की सहायता से एक योग्य एवं प्रगतिशील प्रशासन प्रदान किया। उन्होंने समर विद्या में अनेक नवाचार किए तथा छापामार युद्ध की नई शैली को विकसित किया। आचार्य ने रक्तदान के लिए समाज के युवाओं से आगे आने की अपील करते हुए कहा कि रक्तदान पुण्य प्राप्त करने के अवसर नहीं है, अपितु यह आपकी संवेदनशीलता की कसौटी है। आज वसुधा कल्याण आश्रम परिवार राष्ट्रवीर छत्रपति शिवाजी महाराज की 392वीं जयंती मना रहे हैं। इस जयंती में हम लोग, हमारा जो संवेदना समूह है, जो रक्तदान वीरों का समूह है, वह रक्तदान के माध्यम से शिवाजी महाराज को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इसी क्रम में हमने जो रक्तदान वीर आए हैं उनके लिए एक सम्मान भी हम दे रहे हैं सभी लोगों को, और हम एक संदेश दे रहे हैं सभी बच्चों को भी कि वो जहाँ भी जाएं तो रक्तदान के लिए लोगों को जागरूक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जो पूरी प्रक्रिया है इसमें हिस्सा बने उसका, ताकि हमारा जो स्वास्थ्य का क्षेत्र है उसमें जब रक्त की जो कमी है वह पूरी हो सके और जो ज़रूरतमंद है उन तक वास्तव में रक्त पहुंच सके। और यह हमारा एक प्रयास है, शिवाजी की जयंती के अवसर पर हम यह कर रहे हैं। एक संदेश यहाँ यह भी छुपा है कि जो एक राष्ट्रवीर थे, जिन्होंने ऐसा त्याग किया, ऐसा बलिदान दिया, युद्ध लड़े बड़े और अपना शौर्य दिखाया, तो आज रक्तदान के माध्यम से सभी जो हमारे लड़के हैं वो अपना शौर्य दिखा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि यह शौर्य सभी दिखाए, पूरे विश्व भर के लोग ऐसा कर रहे हैं तो हम क्यों पीछे रहें। धन्यवाद। मैं आचार्य पावन महाराज, अध्यक्ष वसुधा कल्याण आश्रम परिवार।